हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जेट टू वाई ट्यूटोरियल्स में। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। पिछले क्लास में हमने कहा था कि ओम्स लॉ करना है, लेकिन उसके पहले हमें रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जान लेना ज़रूरी है। तो हेडिंग लगाएंगे हम रेजिस्टेंस। अगर इसके डिफिनीशन की बात करेंगे तो ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि कंडक्टर्स ऑफर करते हैं फ्लो ऑफ करंट में। तो इसका डिफिनीशन लिख ले, इट इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by a conductor। क्लियर है? ये क्या है? करेंट के फ्लो में एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर कंडक्टर के पास ऐसा क्या है जो कि करेंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो अगला टॉपिक हेडिंग है हमारा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम फिगर की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं एक कंडक्टर का। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉजिटिव आयंस हैं। पॉजिटिव आयंस वो आयंस हैं जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स रैंडम इसलिए है क्योंकि अभी तक इस कंडक्टर में हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो ये कंडीशन है विदाउट अप्लाइंग पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं जिसमें हम एक सेल को इस कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये दूसरा कंडीशन है जिसमें हमने इस कंडक्टर के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो इस दोनों फिगर को ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहले केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो है वो रैंडम मोशन हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया था। लेकिन सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, हमने कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, मतलब कि हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन कर रहे थे वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। क्या करने लगे? वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। अब जब देखो ध्यान से यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, मतलब कि यहाँ से इस साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जाके इस पॉजिटिव आयंस से टकराएंगे। और इलेक्ट्रॉन का जब मोशन हो रहा है और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ ना कुछ स्पीड भी क्या करेगा, गेन करेगा।
और स्पीड गेन करके वो इधर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, और जब स्टार्ट करेगा बढ़ना तो ये यहाँ आने के बाद इस पॉजिटिव आयन से टकराएगा, और जब टकराएगा तो उसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। और सिर्फ ये इसी इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ मूव कर रहे हैं उनमें से बहुतों के साथ ये कंडीशन है कि वो पॉजिटिव आयन के साथ टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या होगा, उनका स्पीड डिक्रीज होगा, और फिर से वो अपना स्पीड क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, और उसी वर्क के कारण स्पीड डिक्रीज हो रहा है और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वो कंटिन्यूसली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहेगा, ठीक है। तो इस यहीं पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट बल्क में नहीं हो रहा है, मतलब कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चल तो रहे हैं लेकिन बीच बीच में कहीं पॉजिटिव आयन्स आ जा रहे हैं जो उन इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहे हैं, उनके स्पीड को डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो करंट जो फ्लो होगा वो ड्रिफ्ट के चलते होगा, किसके चलते होगा, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चलते। ड्रिफ्ट का मतलब है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी या स्पीड की बात कर रहे हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन्स की। और यही है कंडीशन रेजिस्टेंस ऑफर करने का, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आयन्स या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते, फ्रीली मूव करते, और जब फ्रीली मूव करते तो कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं और ये कंडक्टर फिर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता। तो आप इस फिगर को बना लीजिए, और फिगर को बनाने के बाद नोट्स हम इसके बाद लिखवाते हैं क्या होने वाला है आगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस जनरेट कैसे होते हैं या फिर रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ अ कंडक्टर, नेचर ऑफ अ कंडक्टर। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास, मान लो कि हमारे पास दो कंडक्टर है, एक गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इंसुलेटर। तो कोई भी चीज़ अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा अमाउंट में है, और वो बहुत ईजिली क्या हो रहे हैं, कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं। और कुछ कंडक्टर ऐसे हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, कहने का मतलब है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कंडक्टर जो है वो पहला फैक्टर है जिसपे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ कंडक्टर का कुछ एग्जाम्पल लिख लें, आपको शायद याद होगा कंडक्टर के एग्जाम्पल में हमने कहा था जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और अगर हम इंसुलेटर की बात करें यहाँ पे, तो आपको एग्जाम्पल भी करवाया था पीछे, वुड, माइका एंड रबर, ये वो मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और अगर हम इसमें इसका एग्जाम्पल भी लिखा जाए तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिल्वर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। तो जैसे जैसे मटेरियल बदल रहा है, देखिए यहाँ पे सिल्वर और एल्यूमिनियम हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे हमारे पास वुड है, माइका है और रबड़ है। तो अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, और वही डिसाइड करेगा कि जो मटेरियल आपने लिया है वो गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर या इंसुलेटर है। दूसरा पॉइंट जिस पे जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है वो है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर।
इसको जरा फिगर से समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इसके पास क्या क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा और पॉजिटिव आयन्स होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव आयन्स हैं और इधर की तरफ हम इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, फिर पॉजिटिव आयन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स, फिर पॉजिटिव आयन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मान लो कि एक सेंटीमीटर लेंथ है इसका या एक मीटर का लेंथ है इस कंडक्टर का। तो एक मीटर में जो है ये इतना सारा पॉजिटिव आयन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा ही करंट के फ्लो में। अगर हम इसके लेंथ को और बढ़ा दें, अगर हम इसके लेंथ को दो गुना कर देते हैं, अगर हम इसके लेंथ को दो गुना कर देते हैं तो हो सकता है कि जितने भी पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स हो वो दो गुना हो जाए। तो जब दो गुना हो जाएगा तो जितना ऑब्स्ट्रक्शन ये ऑफर कर रहा था उससे दो गुना कहीं ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ये ऑफर करने लगेगा। तो जैसे जैसे आप एक कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। जैसे जैसे आप कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, कंडक्टर ऑफ एक मिनट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर increases with the increase in length। या फिर सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा थिकनेस ऑफ कंडक्टर। मतलब कहने का है कि वायर जितना भी थिक होगा उसके पास रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखना, ये वायर है जिसमें कि ये पॉजिटिव आयन्स और ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इसी वायर का, सेम लेंथ का वायर है, इसका मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर मान लो कि यही सेम लेंथ का वायर है और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा ज़्यादा हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स तो वही होंगे क्योंकि लेंथ वही है, सिर्फ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो कॉलिजन रेट डिक्रीज हो जाएगा। कॉलिजन रेट डिक्रीज होने का मतलब, पहले हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जनरेट कैसे होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव आयन से क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे। तो कॉलिजन यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिल गया है, और तो कॉलिजन का रेट क्या होगा, यहाँ पे रेट कम हो जाएगा। तो हम सीधे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब कि अगर आप किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर एरिया घटा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं If we increase the cross sectional area of a conductor, its resistance
इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। इसको जरा एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप अपने घर के एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में एक पलंग लगा हुआ है, एक चेयर लगा, मतलब वो रूम पूरी तरह से फुल है, तो आपको उस रूम में क्या होगा, चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर मैं उसी रूम का लंबा लेंथ सेम रख के उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देता हूँ तो वहाँ पर स्पेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आप जो है उस रूम में क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, सेम लेंथ का कंडक्टर है लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करने के कारण जो कॉलिजन रेट था पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स का, वो यहाँ पे कम हो गया। और जब कॉलिजन रेट कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है एक एक्सटेंट तक डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगला है हमारा टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, टेम्परेचर किसी चीज़ किसी कंडक्टर का इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, क्लियर सी बात है। अभी देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं आराम से, आप इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में भी इंक्रीमेंट होगा और जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये इनके भी एम्पलीट्यूड में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये भी अपने जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वाइब्रेशन का रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे फिर से कॉलिजन रेट बढ़ जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिख लें इसको, इफ द टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो उनका भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन और इनका कॉलिजन रेट फिर से क्या होगा, बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ से तीन नंबर का ये सवाल बन जाता है। और इसके साथ एक एक्टिविटी भी है हमारे पास जिसमें कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको दिखाना होगा कि कैसे जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर लेंथ पे, थिकनेस पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हमारा अगला टॉपिक वही है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, यह हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है एक्टिविटी टू शो द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हैं और वो है, हमें एक सेल चाहिए, एक निक्रोम वायर चाहिए जिसका लेंथ एल हो, एक स्विच या की चाहिए, एमीटर जो कि सर्किट में करेंट को मेज़र करेगा, एक कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एल, इतना रिक्वायरमेंट है हमें इस एक्टिविटी को प्रूफ करने के लिए। और उसके लिए ये रहा आपका सर्किट डायग्राम जिसे मैंने एक सेल को कनेक्ट किया है, उसी के साथ एक की भी कनेक्ट किया हुआ है और साथ में एक एमीटर को भी फिक्स किया हुआ है क्योंकि हमें सर्किट में करंट का रीडिंग यही एमीटर ही बताएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि निक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल को हम यहाँ पर इस दोनों के एंड पे कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा निक्रोम वायर जिसका लेंथ क्या है, L है।
जब हमने निक्रोम वायर यहाँ पे कनेक्ट किया तो मानते हैं कि उस टाइम सर्किट में करंट जो है वो I1 फ्लो कर रहा है और करंट का वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 2 एम्पीयर। आप जैसे जैसे वोल्टेज को वैरी कीजिएगा यहाँ पे करंट भी क्या होगा, वैरी करेगा, लेकिन हमें इस एक्टिविटी में वोल्टेज को वैरी नहीं करना है, सिर्फ वोल्टेज को एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगा दिया, या 3 वोल्ट या 5 वोल्ट या 9 वोल्ट आप जो भी लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहला केस क्या होगा, हम निक्रोम वायर लेंगे जिसका लेंथ क्या होगा, L होगा। तो जब निक्रोम वायर का लेंथ L लिया उस टाइम हमारे पास करंट आया 2 एम्पियर मान के चल रहे हैं हम। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में क्या करना है कि इसी सेम निक्रोम वायर लेंगे लेकिन उसका लेंथ क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अभी हमने पढ़ा भी है कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करता है कंडक्टर का वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट का फ्लो कम होगा, और हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो दूसरा केस है हमारा उसमें हम इस निक्रोम वायर को रिप्लेस करके दूसरा निक्रोम वायर लगाएंगे जिसका लेंथ क्या होगा, ट्वाइस ऑफ जो पहले वाला निक्रोम वायर था उसका होगा। तो हम जब इसका लेंथ ट्वाइस कर देंगे तो उस टाइम जो करंट फ्लो करेगा I2 वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है, ये दूसरा केस था। पहले हमने पहला केस क्या था कि हमने एक निक्रोम वायर लिया जिसका लेंथ L था, उस टाइम पे सर्किट में करंट का फ्लो हमने माना 2 एम्पियर है। सेकेंड केस में हमने क्या किया कि उस निक्रोम वायर को हटा के दूसरा निक्रोम वायर लगाया जिसका लेंथ ट्वाइस ऑफ L था, मतलब दो गुना था। तो जैसे ही हमने वो दो गुना वाला निक्रोम वायर यहाँ पे फिक्स किया, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट का वैल्यू जो एमिटर रीड कर रहा था वो घट के कहाँ पे आ गया, 1 एम्पियर पे। क्लियर, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर का, आपका करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। सिंपल सा मीनिंग है कि उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया है। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस हम क्या लेंगे कि हम निक्रोम वायर ही लेंगे लेकिन वो थिक होगा। कहने का मतलब क्या है कि वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो ये रहा आपका थिक निक्रोम वायर जो हमने यहाँ पे लगाया है, और पीछे हमने पढ़ा भी था कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें चेंज करना नहीं है, और यहाँ पे हमने जो निक्रोम वायर लगाया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पहले वाला निक्रोम वायर था उससे ज़्यादा है, तो इस टाइम पे हम मान के चलते हैं कि करंट इसमें क्या फ्लो हो गया, थोड़ा ज़्यादा फ्लो हो गया, और उसका वैल्यू हमने क्या ले लिया, 3 एम्पियर। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस निक्रोम वायर का थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा दिया, और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निक्रोम वायर का बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, कमी आएगा, और उसी के चलते इस सर्किट में करंट का इंक्रीमेंट हुआ और एमीटर ने हमें क्या रीडिंग दिया, 3 एम्पियर का। अब फोर्थ केस में आते हैं, फोर्थ केस में क्या होगा कि हमें कॉपर वायर लगाएंगे, और यहाँ पे ये चीज़ आप जान लीजिए कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कंपेयर टू निक्रोम वायर कम होता है। तो कॉपर वायर अगला केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर वायर को फिक्स करेंगे। तो जब हम यहाँ कॉपर वायर लगाएंगे तो कॉपर वायर जैसे हमने फिक्स किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई करंट फ्लो हुआ है, और कॉपर वायर का रेजिस्टेंस निक्रोम वायर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन कम होता है, तो उस केस में करंट क्या फ्लो होगा, समझिएगा ध्यान से। जो सबसे पहला केस था I1 का, उस टाइम निक्रोम वायर का लेंथ L था, और अभी जो हमने कॉपर वायर लिया है उसका भी लेंथ L ही है, तो यहाँ पे उस टाइम पे करंट फ्लो हुआ था 2 एम्पियर का, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस कम है तो हम मान लेते हैं कि क्या हुआ है, करंट यहाँ फ्लो किया है 4 एम्पियर। क्लियर है,
तो इन चारों केस को सॉल्व करने के बाद हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि जैसे जब लेंथ बढ़ा कंडक्टर का तो करंट डिक्रीज हो गया, फिर जब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया तो करंट इंक्रीज कर गया, और फिर जब हमने नेचर ऑफ मटेरियल ही चेंज कर दिया, मतलब कि निक्रोम से हम कहाँ पे आ गए, कॉपर वायर पे, तो जैसे ही हमने नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से करंट के फ्लो में इंक्रीमेंट हो गया। तो इस एक्टिविटी की मदद से हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर का वो इन फैक्टरों पर डिपेंड करता है। और फैक्टर कौन कौन से हैं, तो वो फैक्टर हैं लेंथ ऑफ अ वायर, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज करेगा और करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर सेकंड में हमने क्या किया कि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही इंक्रीज कर दिया, और जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का इंक्रीज कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट फिर से क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जो तीसरा केस था हमारा उसमें हमने मटेरियल का नेचर ही बदल दिया, मतलब कि हम क्या किए कि निक्रोम के जगह हमने कॉपर वायर यूज़ किया, और हमें पता है कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस निक्रोम के कंपैरिजन कम होता है, और किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर कम है तो वो करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कम पैदा करेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि सर्किट में करंट का अमाउंट क्या है, वो इंक्रीज कर गया है। तो ये टॉपिक आपके हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये फाइनल एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का लगभग समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली ऑल्टरनेट करके आ ही जाता है। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही, अगले क्लास में हम बहुत अच्छे से करेंगे ओम्स लॉ, क्योंकि इसको जाने बिना ओम्स लॉ करना थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा था, तो अगले क्लास में हम करेंगे ओम्स लॉ, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो इस रेजिस्टेंस से रिलेटेड हैं वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि फर्दर जब वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।